समुद्री क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए हाल ही में भारत ने वियतनाम को कौन सा INS उपहार में दिया है? सही जवाब है INS कृपाण। मोंटोन में इटली द्वारा अनावरण किए गए स्मारक का नाम क्या है? सही जवाब है VC यशवंत घाडगे सुंदियाल स्मारक। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि उनके देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? सही जवाब है अल्जीरिया। हाइड्रोजन पर G20 उच्च स्तरीय स्वैच्छिक सिद्धांतों का केंद्रीय विषय क्या है? सही जवाब है शून्य एवं निम्न कार्बन हाइड्रोजन का उपयोग। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? सही जवाब है स्टुअर्ट ब्रॉड। विश्व मस्तिष्क दिवस 2023 का विषय क्या है? सही जवाब है मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता, किसी को पीछे न छोड़े। अगरतला त्रिपुरा में GST भवन का उद्घाटन किसने किया है? सही जवाब है केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री। किस सरकारी विभाग ने लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक प्रोजेक्ट बैठक का आयोजन किया? सही जवाब है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। भारत किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट से अधिक तक बढ़ाने की योजना बना रहा है? सही जवाब है 2031। प्रायोगिक आधार पर भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पेश किए गए मौसम पैरामीटर का नाम क्या है? सही जवाब है हीट इंडेक्स। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही जवाब है फिल्म पायरेसी के मुद्दे का समाधान करना। हाल ही में भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है नवीन पटनायक। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? सही जवाब है न्यायमूर्ति आलोक आराधे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितनी महिला सांसदों को उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त किया है? सही जवाब है 4। यानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान ASI को किस वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है? सही जवाब है ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार।